लेकिन लखीमपुर का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, क्या अपडेट वहां से मिल पा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं बाघ को पकड़ने के लिए? लोगों में डर तो वहां भी बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए डर तो है और ये घरथनिया का इलाका है जहां से कुछ दिन पहले जो तस्वीर है वो सामने आई थी, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा डर इस बात का है। 9 चीनी मिल है लखीमपुर खीरी में, और लखीमपुर में 9 चीनी मिल यानी कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ गन्ने की खेती होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से बाघ को पिंजरे में कैद किया जाए। कई बार तस्वीरों में कैद होता है लेकिन बाघ पिंजरे के सामने से निकल जाता है, पिंजरे में कैद नहीं होता है। 4 पिंजरे लगा दिए गए हैं, 24 कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है, और स्पेशली यहाँ पर जो शाहजहांपुर के डीएफओ हैं उन्हें भी बुला लिया गया है। यानी कि 2 डीएफओ हैं, पहले तो लखीमपुर के और दूसरे हैं शाहजहांपुर के, वो दोनों ही लगातार गश्त भी कर रहे हैं। जो वन विभाग की टीम है वो बाकी टाइम मौजूद रहती है, अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से गुजारिश की जा रही है कि अकेले ना निकले, ग्रुप्स में निकले, बिना हथियार के ना निकले, यानी कि लाठी और डंडे आपके हाथ में होना चाहिए। कई ऐसे लोग मुझे इमलिया गाँव में मिले जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने शेर को, बाघ को तब भी देखा, अपने सामने से गुजरते हुए देखा, यानी कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि घरथनिया से सबसे ताजी तस्वीर जो सामने आई थी वो घरथनिया से आई थी, उसी क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है, और वहां पर लोगों का ये कहना था कि देखिए अभी भी यहां पर एक से ज्यादा बाघ हैं। हालांकि वन विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक बाघ है और उसे पकड़ने के लिए जो कोशिश की जा सकती है वो हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से आदेश दिए हैं उसके बाद गश्ती और बढ़ा दी गई है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि इसे आपदा घोषित कर दिया है, और ऐसे में आपदा घोषित करने के बाद कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी जो गश्ती है, क्योंकि हमने जब डीएफओ से बात की थी, डीएफओ संजय विश्वाल, उनका ये कहना था कि देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं एक हमारे में भी ऊर्जा आएगी और हम उसी तरीके से काम भी कर रहे हैं और अच्छे से काम करेंगे। तो गश्ती तो की जा रही है, जो ट्रैक्टर है उसे बाकायदा पिंजरे जैसा बनाया गया है। देखिए गश्ती तो जारी है लेकिन इसके बावजूद भी ना भेड़िए पकड़ में आ रहे हैं और ना ही बाघ जो है वो पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन दहशत किस तरीके से देखने को मिल रहा है वो आपको एक बार फिर से जानकारी दे दे। देखिए बहराइच की बात करें तो यहां पर 55 लोगों पर भेड़ियों ने अटैक किया है। सीतापुर की बात करें तो यहां पर 11 लोग जख्मी बताए गए हैं। इसके अलावा भी स्थिति लगातार बिगड़ती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि बीते 2 दिनों से एक के बाद एक हमले की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीती रात ही बहराइच में देखिए 2 अलग अलग गांव में बच्चों पर अटैक किया गया जिसमें बच्चे जख्मी हो गए। गनीमत यह रही कि बच्चे बाल बाल बच गए। इसके अलावा सीतापुर की भी हमने जानकारी आपको दी कि किसान के घर के बाहर गाय बंधी हुई थी और गाय को किस तरीके से इन बाघ ने निवाला बनाया है। ऐसे में लोग अभी भी बेखौफ नजर नहीं आ रहे, यानी कि दहशत में नजर आ रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आगे ना जाने क्या कब किस पर ये जो आदमखोर हैं वो अटैक कर दें। तो लगातार देखिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से लगातार इन आदमखोरों का दहशत जारी है। लोग जो हैं इसलिए सहमे हुए हैं क्योंकि अभी भी इनका जो हमला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हमले की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। बात हम अगर बहराइच की करें तो यहां पर दहशत लगातार जारी है और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इन दहशत के बीच जो ग्रामीण है वो किस तरीके से अपनी जिंदगी जीने को बेबस नजर आ रहे हैं। लोग परेशान नजर आ रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। लोग बता रहे हैं उनसे हमको डर लग रहा है, हम लोग डरे हुए हैं, रात रात भर जाग जाग करके हम लोग बैठे रहते हैं। हमारे गांव में बिजली भी नहीं आ रही है, स्प्रिंग लाल होती है, बल्ब जलते हैं, स्प्रिंग लाल होती है, लाइट नहीं होती उसमें, इसलिए हम बजरंग बली के शरण में आए हैं। हम सब अधिकारियों को भी देखा है, आ करके गांव में निकलते हैं और सीधे चले जाते हैं। अधिकारी या बजरंग बली बचाएंगे? बस बस बजरंग बली के शरण में आए हैं, ये अपनी ही गदा से हम लोगों को बचाएंगे, ये महावीर हैं, इसलिए हम इनके शरण में हैं। पूरा गांव हमारा बैठ करके इन्हीं का पाठ कर रहा है। अरविंद कुमार सिंह, सर यही भेड़िया के डर से लोग डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, पूजा अर्चना भगवान के स्मरण में लगे हैं कि बचे हम लोग उनसे। भेड़िया वन विभाग का सर होता है, वन विभाग लोग आते हैं जब कांड हो जाता है, सिस्टम हो जाता है, गाड़ियाँ आती हैं सर, गाड़ियाँ आती हैं और वन विभाग वाले अपना अपना जो करना होता है वो कर देते हैं और इसके बाद वो कोई बचाव नहीं कर पाते हैं। बजरंग बली बचाएं, बस भोलेनाथ से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बजरंग बली से गुहार करते हैं कि वही हम लोगों को बचाएंगे और हम लोग उन्हीं के शरण में आए हुए हैं, हम लोग उनसे आराधना कर रहे हैं कि हम लोगों की रक्षा करें। सुंदरकांड हो रहा है, भेड़िया बहुत ज़्यादा आतंकित है।
हाँ बिल्कुल, आए दिन कहीं हमला करता है, कहीं मर्डर करता है, सारे लोग परेशान हैं। बिजली भी हमारे यहाँ से सही से नहीं आती है, स्प्रिंग लाल रहती है क्यों? उजाला उजाला रहेगा तो गांव में जगता ही रहेगा, उससे समस्याएं कुछ दूर रहेंगी। भेड़िया की समस्या दूर हो जाएगी भाई, अब लोग चलेंगे उजाला में दिखाई देगा, भेड़िया भी उजाले में डरेगा, बिल्कुल डरेगा। तो आपने सुना किस कदर लोग डरे हुए हैं और कैसे खौफ के साए में जी रहे हैं। अमावस की रात और भेड़ियों के खौफ के बीच आपको बता दें क्या कनेक्शन है। दरअसल ये बताया गया कि आप सभी को पता है कि बीती रात अमावस की रात थी और ऐसे में लोगों का पूरा भरोसा था कि भेड़िया जरूर आएगा। बहराइच में दिखा भेड़िया, जहां महज 15-20 के अंतराल में आदमखोर भेड़ियों ने फिर से दो बच्चों पर हमला किया, यानी कि झुंड में आए थे, जिसके बाद अब इलाके में दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। कैसे अमावस की रात पूरी रात आदमखोर भेड़िए शिकार की तलाश में रात भर लोगों में खौफ भरते रहे, ये देखिए इस रिपोर्ट में। भेड़िया आके मेरे गर्दन पर रखों खींचने लगता है, रात भर जाके गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से। अमावस की स्याह रात, प्रार्थनाओं का दौर, आदमखोर की नजरों से अपने बच्चों को छिपाती बहराइच की ये माएं और गांवों की पगडंडियों पर रात भर पहरा देने को मजबूर गांव वाले। बहराइच के तकरीबन 40 से भी ज्यादा गांवों में आदमखोर भेड़ियों की दहशत में माओं ने अमावस की पूरी रात जाग कर ही काट दी और रात भर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाए रखा। कहते हैं कि माँ का आंचल किसी भी बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह होती है, माँ के आंचल में बच्चों को नजर तक नहीं लगती। बहराइच के इन सभी गांवों की माओं ने अपने बच्चों को दुलराते और सहलाते हुए अमावस की पूरी स्याह रात को बिता दिया। अंदर डर और दहशत भी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर आने भी नहीं दिया और अपने मासूम के सामने वो भाव शून्य रही ताकि वो और न डर जाए। बच्चा सो रहा है लेकिन आप जग रही हैं, क्या आप रात भर ऐसी जग? रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से कि कहीं से आ जाए तो हमारे बच्चे को कुछ ना कर दे, तो डर लग रहा। क्या नींद आती है? नींद आती है तो बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं, अपने पास अपने लिपटा लेते हैं गोद से, ने तो के सोते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर जाग जाकर देखते रहते हैं कि कहीं से ना जाए, बहुत डर लग रहा है। सिरहाने हसिया रखकर रात काटने को मजबूर ये माएं जानती हैं कि अगर इनके सामने आदमखोर भेड़िया आया तो ये उसे मारने में थोड़ा हिचकिचा सकती हैं, लेकिन जब बात औलाद की जान पर बनाए तो भला ये कहां चूकने वाली। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें और दहशत में ही लोगों ने अमावस की स्याह रात को काट दिया। ये माता जी बैठी है और ये किस तरह से, माता जी ये क्या है आपके साथ? हसिया, हसिया ये किस लिए ली है? हाँ,